देखिए बिल्कुल जैसे दिल्ली से बिहार चलने वाली ट्रेन का हाल होता है ना, वही हाल है यहाँ पर भी। देख रहे हैं जनरल कोच की हाल, इधर आगे 5 जनरल कोच है तभी हाल है। देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं जिनको चांद पर जाना है, सिग्नल बंद है, उसके बावजूद भी बाइक लेकर बीच में खड़े हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों के साथ ही दुर्घटना होती है, उसके बाद रेलवे को कंप्लेन करते हैं। यहाँ से गाड़ी मेरी कट रही है दूसरे ट्रैक पर, अभी आ गया अयोध्या कैंट और यहाँ पर कुछ महान भावों की हो रही है बहुत ही गहन चर्चा। देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर बैठ के चर्चा का निस्तारण किया जा रहा है। अयोध्या कैंट सुल्तानपुर के रास्ते प्रयागराज संगम को जाने वाली 1-4-2-3-2 प्रयागराज संगम नंदा संगम एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रभु राम की नगरी अयोध्या में, और अभी मैं खड़ा हूँ अयोध्या धाम जंक्शन पर, क्योंकि आज की गाड़ी हमारी यहीं से होने वाली है। गाड़ी संख्या 14232 जो बस्ती से चलकर प्रयागराज संगम घाट तक जाती है। बस्ती में इस ट्रेन के चलने का समय है 13:50 और 20:15 पर यह गाड़ी आपको प्रयागराज संगम घाट तक पहुँचा देगी। प्रयागराज से अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए सबसे बेनिफिशियल हो सकती है। 260 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी 6:25 में अपनी यात्रा पूरी करती है। इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करें, इस ट्रेन में 5 जनरल के कोच है, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो चलिए आज की यात्रा हम यहीं से शुरू करने वाले हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। गाड़ी हमारी आगे प्लेटफॉर्म पर, ये सारे लोग जनरल में चढ़ने वाले। जनरल की भीड़ वैसी है जैसे हमेशा जनरल की भीड़ होती है। चलिए प्रभु राम की नगरी अयोध्या से चलते हैं प्रयागराज संगम की ओर। इस ट्रेन में एसी के भी कोचेज हैं, तो ध्यान रखें अगर आप कंफर्टेबल पसंद करते हैं तो आप एसी की भी सुविधा ले सकते हैं इस ट्रेन में। देखो ये चढ़ने के चक्कर में, देखो यार ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, कहीं किसी को चोट लग सकती है। आराम से। देखो। देखिए बिल्कुल जैसे दिल्ली से बिहार चलने वाली ट्रेन का हाल होता है ना, वही हाल है यहाँ पर भी। देख रहे हैं जनरल कोच की हाल, इधर आगे 5 जनरल कोच है तभी हाल है। देख रहे हैं कितनी भीड़ है, जबरदस्त। ये है मानवर संगम एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम जाएगी। हाँ प्रयागराज संगम जाएगी, देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है यार, कहीं भी लग सकती है गाड़ी। देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है, देख रहे हैं। पहले गाड़ी को बोर्ड करते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा, गाड़ी आगे चली जाएगी। गाड़ी हमारी हो गई है 1 घंटा लेट, और 1 घंटे की देरी से हम यहां तक चलेंगे, देखते हैं किस टाइम पर हम पहुंचते हैं प्रयागराज संगम। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रही गया टू ओखा। जनरल कोच में चलने वाले लोगों के पास पेशेंस बहुत कम होता है, इसीलिए शायद वो ज्यादा सफर करते हैं। इस ट्रेन में 5 कोच जनरल के आगे की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है, उसके बावजूद भी लोग पीछे के 2 कोच है जिसमें भीड़ बग की तरह भर गए। उस एक बार ट्रेन डिपार्चर हो जाए उसके बाद दिखाता हूँ जिस कोच में मैं हूँ उस कोच में कितनी भीड़ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही उदयपुर सिटी कामाख्या एक्सप्रेस। स्टेशन की घड़ी हो गया 17:32, शाम के 5:30 बज चुके हैं। अभी डिस्प्ले नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 60 FPS पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डिस्प्ले की। गाड़ी हमारी 1.5 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। ये लोग आए थे अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए, प्रभु राम के दर्शन के लिए, तो फाइनली ट्रेन हमारी यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है 1.5 घंटे से ज़्यादा देरी से। और ऐसा है कुछ अयोध्या का प्लेटफॉर्म नंबर 2। बड़ोदरा का लोको लगा है WAP 7। ट्रेन का अगला स्टॉप होगा अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, बेला देवी, प्रतापगढ़, और उसके बाद प्रयागराज संगम। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मेरा कोच कैसा है, जिसमें आपने देखा भीड़ जैसे लोगों ने चढ़ा है, मेरा कोच कैसा है। मैं भी जनरल में ही ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मेरा कोच जनरल का जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, देख रहे हैं बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम खाली कोच है, जनरल की अपेक्षा बिल्कुल खाली कोच है। तो ऐसी बिल्कुल भी भागा दौड़ी मत किया करें, जब एक बार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग जाए तो तभी चढ़ा करें ट्रेन पर। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है थोड़ा सा संतुलित हो जाएगा, फिर आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं जिनको चांद पर जाना है,
सिग्नल बंद है, उसके बावजूद भी बाइक लेकर बीच में खड़े हैं, देख रहे हैं ना। ऐसे लोगों के साथ ही दुर्घटना होती है, उसके बाद रेलवे को कंप्लेन करते हैं। यहाँ से गाड़ी मेरी कट रही है दूसरे ट्रैक पर, अभी आ गया अयोध्या कैंट और यहाँ पर कुछ महान भावों की हो रही है बहुत ही गहन चर्चा। देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर बैठ के चर्चा का निस्तारण किया जा रहा है। गाड़ी भरी पहुंच चुके अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट से भी उतने ही यात्री चढ़ने चल रहे हैं जितने अयोध्या धाम जंक्शन से चढ़े हैं, क्योंकि यहाँ भी आप उतरकर राम का दर्शन करने जा सकते हैं, अयोध्या राम मंदिर देखने। अयोध्या कैंट में इस गाड़ी के पहुंचने का समय शाम को 4:20 और अभी पहुंची है 17:32 पर। फाइनली 5 मिनट के ऑफिशियल होल्ड के बाद गाड़ी बारी चल चुकी है अयोध्या कैंट से और अभी स्टेशन की घड़ी हो गया है 17:56। अयोध्या कैंट को फाइनली डिपार्ट करते हुए और गाड़ी हमारी चेंज कर रही अपना ट्रैक। सामने तरफ है अयोध्या कैंट का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कि मेन स्टेशन होता है और बहुत ही खूबसूरत अयोध्या कैंट है। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका पूरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य और बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है ये। देखिए डिजिटल के ज़माने में आजकल हर किसी को प्रूफ देना पड़ता है। देखिए यहाँ पर रेलवे काम चल रहा है और दूर से वीडियोग्राफी चल रही है, इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ हुई है कि नहीं। गाड़ी हमारी पहुंच चुके खजुराहट रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर इस गाड़ी के पहुंचने का समय शाम के 4:56 पर और अभी घड़ी में हो गए हैं 6:20। इस रेलवे स्टेशन की यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेन कितनी ऊपर है और प्लेटफॉर्म कितना नीचे है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप उतरें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, काफ़ी ऊपर ट्रेन है, ऐसे चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चढ़ पाएंगे ट्रेन में। गाड़ी मेरी डिपार्चर हो रही खजुराहट रेलवे स्टेशन से और गाड़ी आज हमारी हो गई बहुत ज़्यादा लेट। स्टेशन की घड़ी में आप देख सकते हैं 18:23, शाम के 6:23 हो चुके हैं और ऐसा है कुछ खजुराहट का रेलवे स्टेशन। यहां से गाड़ी हमारी ट्रैक चेंज कर रही है और जा रही मेन ट्रैक पर। बाहर तरफ धीरे धीरे शाम हो रही है और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे आपको वीडियो में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो गाड़ी का कर्व आप देख रहे हैं ना, ये कर्व अगर दिन में होता तो इतना प्यारा लगता ना, इतना प्यारा व्यू आता कि देखते ही बनता। गाड़ी मेरी पहुंच रही है सुल्तानपुर और नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है साई नदी जो प्रतापगढ़ से होकर आती है। गाड़ी मारे गए सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर इस गाड़ी के पहुंचने समय शाम के 5:25 पर और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ये गाड़ी छूटती है 5:30 पर, लेकिन हमारी गाड़ी चल रही है 1.5 घंटा लेट, हो गया है 18:50। यहाँ से चढ़ने वालों की भीड़ कुछ ज्यादा ही है। शाम के 6:55 हो चुके हैं, गाड़ी हमारी सुल्तानपुर जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है। गाड़ी का अगला स्टॉप होगा बेलहा देवी में, जो पहले प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर बेलहा देवी कर दिया गया है। गाड़ी हमारी रुक गए खुंदूर के आउटर पर क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है उसका पास है, दिखाते हैं कौन सी गाड़ी आ रही सामने। इसी गाड़ी के चक्कर में हमारी गाड़ी को रोक दिया गया है, पिछले 15 मिनट से गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी है। लोगों के साथ माल गाड़ी गुड्स गाड़ी, माल गाड़ी निकल गई और अब गाड़ी हमारी मूव कर रही है।
खुंडौर। फिलहाल यहाँ पर कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पर गाड़ी हमारी रुकी थी। सामने है चिलबिला जंक्शन। वैसे यहाँ पर इस ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन जब एक बार ट्रेन लेट हो जाती है ना, तो सुपर फास्ट हो या फिर कोई भी ट्रेन, उसको पैसेंजर ही बना दिया जाता है। वही हाल इसका भी हुआ है। गाड़ी मेरी पहुंच चुकी है प्रतापगढ़, जिसे बिल्हा देवी जंक्शन के नाम से भी लोग जानते हैं। लगातार मालगाड़ी की मालगाड़ी मिली जा रही है अपने को। प्रतापगढ़ की बेला देवी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है, और गाड़ी हमारी लगी है बेला देवी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। स्टेशन की घड़ी में करेक्ट हो गए हैं 8:20 बज चुके हैं, और प्रतापगढ़ जंक्शन या फिर यूं कहे बेला देवी जंक्शन, गाड़ी हमारी लग चुकी है बेला देवी जंक्शन पर। इस गाड़ी का यहाँ पर पहुंचने का ऑफिशियल समय है शाम के 6:18 और 2 मिनट के स्टॉप पर 6:20 पर छूटने का समय, लेकिन गाड़ी हमारी लेट चुकी है, तो अभी पहुंची है रात के 8 बजे। 2 मिनट के स्टॉप पर गाड़ी हमारी दोबारा रवाना हो चुकी है प्रतापगढ़ जंक्शन या फिर बेला देवी जंक्शन से, और इस गाड़ी का अगला और आखिरी स्टॉप होगा प्रयागराज संगम घाट। गाड़ी हमारी आ गई है फाफा मऊ जंक्शन पर। वैसे यहाँ पर इस गाड़ी का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन गाड़ी यहाँ पर स्लो हो जाती है क्योंकि यहाँ के यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं। गाड़ी का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, हमें यहीं पर उतरना था। ये गाड़ी यहाँ पर इतनी स्लो हो जाती है कि यहाँ पर आप बड़े आराम से उतर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जर्नी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी पर।